कार्तिक पूर्णिमा मेला के अगले 48 घंटे बाद तक गंगा घाट में प्राइवेट नावों के परिचालन पर लगी रोक के बावजूद सोनपुर मेला घूमने आए कई जिलों के करीब 250 यात्रियों को लादकर पटना गायघाट व कलेक्ट्रेट घाट लेकर जा रहे नाव डूबते डूबते बची। गंगा गंडक के संगम स्थल के पास तेज धारा में फंसकर ओवरलोड नाव जल समाधि लेने ही वाली था कि SDRF की पेट्रोलिंग बोट की नज़र पड़ गई। SDRF कैंप से आए और भी बोट के साथ पहुंची टीम ने रेस्क्यू कर सभी को बचा लिया। रेस्क्यू कर बचाए गए 90 लोगों को हाजीपुर SDRF कैंप घाट पर रखा गया है और नाव पर क्षमता से अधिक करीब 250 यात्रियों को लाद कर नाव खोला गया था। नवजात शिशु के साथ नाव पर सवार महिला बताती है कि नाव खुला तभी नाविक ने किसी को जरा भी हिल डुल नहीं करने की चेतावनी दी थी। नदी के पानी से नाव की रेलिंग में 1 फीट की ही दूरी रह गई थी। सवार अन्य यात्रियों ने बताया कि जैसे नाव हाजीपुर के तेरसिया के पास गंडक व गंगा के संगम स्थल के निकट पहुंची और तेज धारा में नाव लगभग फंस गई। नाव पर सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इसी दौरान SDRF की पेट्रोलिंग बोट की नज़र डूबने जा रही नाव पर पड़ी और पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचने के साथ कैंप पर SDRF प्रभारी को सूचना दी। कैंप घाट से 6 से 7 मोटरबोट के साथ टीम फंसी नाव के पास पहुंची और SDRF के जवानों ने नाव पर यात्रियों को उतारकर नदी में कुछ दूरी पर बालू के टीले पर उतार कर रखना शुरू कर दिया। करीब लगभग 90 लोगों को रेस्क्यू कर नाव पर उतारने के बाद नाव हल्का हुआ और शेष बचे यात्रियों को ढोकर ले जाने में सफल रहे। रेस्क्यू टीम किए गए उन 90 यात्रियों को एक बड़ा नौका मंगवाकर SDRF कैंप के बगल नौका कुनहारा घाट पर रखा गया। SDRF ने इस संबंध में प्रशासन को सूचना दे दी है। किसी से 50 रुपया, किसी से 30 रुपया, किसी से 35 रुपया और किसी से 40 रुपया। आप लोगों को कहाँ उतारा जाता है सभी लोग को? हम लोग के कलेट्री घाट पटना काली घाट सोनपुर से बैठे थे ना? जी सर, यहाँ पटना जा रहे थे तब बीच दरिया में फंस गया नाव। अब फंसा तो वहीं पर 4 घंटा तक रह गए। तो फिर नाव आया टेला नाव, तैयो नहीं निकला, रस्सा से बांधा तैयो नहीं निकला। फिर सर गए तो वहाँ से बोले कि से सबको एक एक करके निकालेंगे, हम उस पार कर देंगे। तो हम लोग बोले कि से सर कुकटी करिएगा ना, तो पैदल जाएंगे। तो सर बोले कि नहीं, सबको हम पहुँचा देंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो बोले कि ठीक है सर, ले चलिए। अब रात के समय हो गया, 4 घंटा हो गया।